हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9 का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है क्लाइमेट। मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज करा, कमेंट करा कि सर आप चैप्टर 4 की वीडियो बनाओ जिसका नाम है क्लाइमेट। तो आपके सामने ये वीडियो है। देखो, मेरे को पता है कि ये अगर वीडियो देख रहे हो आप तो आपने बुक पढ़ने का भी ट्राई किया होगा, आपको टीचर ने भी समझाया होगा, बट कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी और आपको लगता होगा कि यार डिफ़िकल्ट चैप्टर है इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट चैप्टर है, थोड़ा ट्रिकी है, मतलब फ्लो में नहीं दे रखा बुक के अंदर, बट मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा ये चैप्टर। आप खुद समझने की तो दूर की बात, अब दूसरों को भी समझा पाओगे। बट एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को स्किप करके मत देखना बिल्कुल भी, क्योंकि यार ये चैप्टर बाकियों की तरह नहीं है कि आपने थोड़ा सा आगे कर दिया तो कोई नहीं समझ आ जाएगा। आपको हर पार्ट देखना है, ये हर चीज़, एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक बार समझ गए ना तो आप किसी को भी समझा दोगे, जब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसे अटेम्प्ट कर लोगे। बट इस चैप्टर को ध्यान से देखना, ठीक है। चलो यार चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बकवास बहुत हो गई, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है क्लाइमेट, तो क्लाइमेट का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो क्लाइमेट को हम एक काम करते हैं, क्लाइमेट का डिफरेंस करते हैं हम वेदर के साथ। अब आपने सुना होगा वेदर, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे हमेशा सुबह सुबह आ जाता है कि यार आज का वेदर है ऐसा, ठंडी है आज, विंटर है, रेनी होगी आज, बारिश होगी, धूप रहेगी, सनी डे। ये वेदर होता है। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर वो होता है जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी हर दिन वेदर बदलता है ना, हर दिन वेदर बदलता है। वेदर वो होता है जो हर एक दिन में बदलता है और एक दिन के अंदर भी बहुत बार बदल जाता है। कभी कभी सुबह धूप निकली होती है फिर शाम को बारिश हो जाती है। तो वेदर वो होता है जो बहुत बार चेंज होता है और शॉर्ट टर्म में एटमोस्फेरिक कंडीशन के बारे में बताता है, यानी एटमोस्फेरिक की कंडीशन के बारे में बताता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और एक होता है क्लाइमेट। अब वेदर तो समझ आ गया शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट बिल्कुल इसका बड़ा रूप है, यानी जब ये क्या होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इसका एग्जांपल समझो कैसे, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लो मैं आज 2 जनवरी है, मान लो एज्यूम करो कि अभी मैं राजस्थान में बैठा होता, ठीक है, और रात को ये वीडियो बना रहा होता, तो रात के अंदर वेदर कैसा है राजस्थान के अंदर? कोल्ड। तो वेदर कैसा है राजस्थान का अभी 2 जनवरी की बात करूं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो वेदर कैसा है? कोल्ड। बट अगर क्लाइमेट की बात करें राजस्थान की, तो क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़्यादातर राजस्थान में क्या रहती है? गर्मी। तो वहां का क्लाइमेट कैसा है? हॉट, ठीक है। वेदर चेंज होता रहता है दिन में, क्लाइमेट चेंज नहीं होता, क्लाइमेट बड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, समझ रहे हो? जैसे 10 साल 20 साल 30 साल, अगर मान लो कि एक दिन राजस्थान के अंदर बहुत तेज़ बारिश आ जाए, तो क्या हम ये कहेंगे कि राजस्थान का क्लाइमेट चेंज हो गया है? नहीं, हम कहेंगे सिर्फ एक दिन के लिए राजस्थान का वेदर चेंज हुआ है, वेदर चेंज हुआ है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर हर साल ऐसी ही तेज़ बारिश हो 30 साल तक कम से कम, तब हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हुआ है। बट अगर एक ही दिन होती है तो हम कहेंगे वेदर चेंज हुआ है। समझ आ गया ना? वेदर होता है जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्लाइमेट होता है जो बहुत ही बड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। राजस्थान का एग्जांपल समझ आ गया। राजस्थान का वेदर उसके डे पे डिपेंड करता है कि सुबह की बात कर रहे हो, शाम की या रात की, ठीक है। अभी की बात करें रात में, वहाँ पर क्या होगा? कोल्ड होगा, ठीक है। बट वहाँ का क्लाइमेट क्या रहेगा? हमेशा हॉट रहेगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। मान लो हम मार्च में बैठे हैं, मार्च में कड़कती हुई धूप पड़ रही है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो उस टाइम जम्मू कश्मीर का वेदर कैसा होगा? हॉट होगा, गर्मी है वहाँ पर उस टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट अगर बात करें जम्मू कश्मीर के, मैं क्लाइमेट की बात करूं, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? वहाँ का क्लाइमेट है कोल्ड, ठंड, मोस्टली ठंड रहती है वहाँ पर, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार में समझ आ जाएगा अब तो आपको। द शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी एरिया इज वेदर, यानी जब हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, एक दिन, एक घंटे, 6 घंटे, तो उसको कहते हैं वेदर। क्लाइमेटिक इसका थोड़ा बड़ा रूप होता है। द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस और अ कंट्री इज कॉल्ड वेदर, जब पूरे प्लेस और पूरी कंट्री के बड़े लेवल पे, यानी बहुत बड़े 30 साल तक जब बात होती है ना वेदर कंडीशन की, तो हम उसको कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, द चेंजेस इन द वेदर कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब एक ही दिन के अंदर बहुत बार चेंज, वेरी फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा चेंज आ सकते हैं वेदर के अंदर, बिल्कुल आ सकते हैं। सुबह धूप, शाम को बारिश, रात को ठंड, यानी वेदर तो बहुत बार चेंज हो सकता है। बट क्या क्लाइमेट है? नहीं, क्लाइमेट वो होता है जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चेंज नहीं होता। राजस्थान में गर्मी ही रहेगी, ठीक है, आप राजस्थान में ठंड नहीं ला सकते, पूरे साल ठंड नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, समझ रहे हो।
अब ये दो डिफरेंस हो गए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। वेदर और क्लाइमेट को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने टेस्ट दिया है ना स्कूल के अंदर, तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन तो आपको टीचर ने पक्का दिया, और नहीं दिया तो अगली बार देने वाला है, सिंपल। अब जो वेदर की पढ़ाई होती है ना, जो वेदर की पढ़ाई होती है, स्टडी वेदर इज नोन एज मीटियोरोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना। मीटियोरोलॉजी कहते हैं स्टडी, जब वेदर की पढ़ाई को मीटियोरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो सुबह सुबह ब्रॉडकास्ट करते हैं ना वेदर वगैरह, तो उन्होंने मीटियोरोलॉजी की पढ़ाई करी हुई होती है, ठीक है जी। ये मीटियोरोली, ये मीटियोर मीटियोरॉइड वाली नहीं है, ये मीटियोरोलॉजी है, नाम याद रखना इसका, ठीक है। इसमें वेदर को की पढ़ाई करते हैं। दूसरा है क्लाइमेट, क्लाइमेट की पढ़ाई को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं जब हम क्लाइमेट की पढ़ाई करते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम जो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के वेदर की, वेदर कंडीशन की बात करते हैं, तो उसे मीटियोलॉजी कहते हैं। होप सो आपके, आपको समझ आ गया हो, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल लिख रखा था, समझाई चुका हूँ आपको। अगर राजस्थान में आज की बात करें, जनवरी 2 की बात करें, तो नाइट में वेदर कैसा होगा? ठंडा, बट वहाँ का ओवरऑल क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट, सिंपल। चलो जी, अब हमने बात कर ली नॉर्मल नॉर्मल स्टेट के बारे में, कि स्टेट का क्लाइमेट कैसा है, बट अगर हम ओवरऑल इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का क्लाइमेट है बॉस मानसून टाइप। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानसून टाइप। मानसून टाइप क्या होता है? अब देखो, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार मानसून का मतलब तो बारिश होता है, क्या आप सही हो? बिल्कुल आप सही हो, पर सुनो डेफिनेशन क्या है इसी। द मानसून इज़ अ सीजन शिफ्ट इन द प्रवेलिंग विंड डायरेक्शन। देखो, मानसून का मतलब बारिश आप कह सकते हो, बट अब ध्यान से सुनना, बारिश कैसे आती है? बादलों की वजह से, और बादल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? विंड की वजह से। तो मानसून का मतलब होता है कि जब सीजन के अंदर चेंज आता है, हवा के चेंज आने की वजह से, हवा के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से, जब सीजन के अंदर चेंज आता है, मौसम के अंदर चेंज आता है, उसी को हम कहते हैं मानसून, ठीक है। मई जून के अंदर बारिश क्यों होती है? क्योंकि मई जून के अंदर जो हवा है वो हमारे एरिया में आती है, तेज बादल के साथ आती है, और इसलिए हमारे एरिया में बारिश होती है। तो इसका मतलब हमारे इंडिया का क्लाइमेट जो है मॉनसून टाइप है, हवा के चेंज होने की वजह से मौसम में शिफ्ट आता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि ठंड के मौसम में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, गर्मियों के मौसम में गर्म गर्म हवाएं चलती है, बारिश के मौसम में, ठीक है, गर्मियों के मौसम में गर्म गर्म हवाएं चलती है। तो इसका मतलब क्या है कि विंड के चेंज होने की वजह से सीजन शिफ्ट होता है, तो इसी को कहते हैं मॉनसून टाइप क्लाइमेट, ठीक है जी। क्या मॉनसून टाइप क्लाइमेट सिर्फ इंडिया में है? बिल्कुल नहीं। मॉनसून टाइप क्लाइमेट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट यहाँ पूरे जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है ना, उस पूरे के अंदर है, यानी यहाँ पर ज़्यादातर मॉनसून टाइप क्लाइमेट ही डोमिनेट करता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि मॉनसून ये नाम कैसा है और ये किसने रखा है? एक्चुअल में ये नाम अरबों ने रखा है, और क्यों रखा है मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैंने आपको एक बात बोली थी विंड डायरेक्शन, कि हवा के चेंज होने की वजह से जो सीजन में चेंज आता है उसको हम कहते हैं मॉनसून। अब हवा एक जगह से दूसरी जगह हवा जाती कैसे है, ये क्वेश्चन है कि एक जगह से दूसरी जगह हवा जाती कैसे है, ये आज मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, यही बच्चों को दिक्कत आती है। देखो, अगर मैं हॉट यानी गर्मियों की बात करूँ, ठीक है, मान लो गर्मियों का सीज़न है इंडिया की बात करें हम, तो मान लो ये लैंड है, ठीक है, इसको मैं ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझाऊंगा, बट एज एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो ये लैंड ए है और ये ओशन है, ठीक है, ये बी है, ये ओशन है, यानी यहाँ पर पानी पानी है, ये वाले एरिया में पानी पानी है, यहाँ पर लैंड लैंड है। गर्मी का मौसम है, गर्मी में ज़्यादा गर्म कौन होगा, लैंड या ओशन? ऑब्वियस सी बात है, लैंड, लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और हमें पता है जब कोई गर्म, जो कोई भी चीज़ गर्म होती है ना, तो वो ऊपर की तरफ खिसकने लग जाती है, तो यहाँ की जो हवा होगी वो क्या करने लगेगी, वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। और जब यहाँ की हवा ऊपर की तरफ जाने लगी थी, तो यहाँ पर इस नीचे वाले एरिया में क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि हवा तो ऊपर चली गई, तो यहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर। बट यहाँ पर तो वैसे का वैसे ही है, क्योंकि ये तो भाप बना ही नहीं है, तो ज़्यादा गर्म हुआ ही नहीं। तो जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, तो ऐसे ही विंड मूव करती है। अब इसका रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर जब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन जाता है ना, हाई प्रेशर बन जाता है, तो एकदम से सीटी में से हवा निकलने लग जाती है, और हवा बहुत तेज़ी से निकलती है और सीटी बजती है। तो कुकर के अंदर क्या बना, हाई प्रेशर, बाहर की तरफ क्या है, लो प्रेशर। तो जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आना चाहती है, ठीक है। अब इसको लेते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर ही दिक्कत आती है बच्चों को कि यार ये तो समझ आ गया, बट इंडिया से कैसे कोरिलेट करोगे, ये लो जी आपको इंडिया से कोरिलेट करके दिखाता हूँ। इंडिया की बात करते हैं, मान लो समर का टाइम है, गर्मी का मौसम है, मई जून चल रहा है। अब
मई जून में आपको पता ही है जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, भाप ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। ठीक है, अगर ये लो प्रेशर हाई प्रेशर का कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो पीछे करके देखो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार। देखो क्या बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, ठीक है, और हमारा ओशन तो इतना ज़्यादा गर्म हुआ नहीं, तो वहाँ पर क्या रहेगा, हाई प्रेशर। तो इसलिए विंड कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि यहाँ तो पानी है, और यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करोगी करेगी तो आपको पता ही है कि यहाँ पर पानी है, और पानी के अंदर जो हवा बहती है उसमें थोड़ी थोड़ी नमी होगी, थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर भी होगा, ह्यूमिडिटी होगी। तो इसलिए ये ऊपर की तरफ जब जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो जब ये बादल बनते हैं, यहाँ से जो हवा जाती है तो बादलों को लेकर जाती है, और यहाँ के जो बादल होंगे, यहाँ पर जो बादल बने होंगे उनमें पानी होगा, तो यहाँ पर आके गर्मियों में, समर के अंदर आप नोटिस करोगे कि इंडिया के अंदर गर्मियों में बारिश होती है। वो इसलिए ही होती है क्योंकि हमारे ओशन में होता है हाई प्रेशर, हमारे लैंड पे होता है लो प्रेशर, तो विंड है जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, इसी की वजह से इंडिया के अंदर गर्मियों में बारिश होती है। हाँ जी, क्लियर हो गया, ये बहुत ईजी है, क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं विंटर सीजन की, ठीक है, विंटर सीजन की, ठंड का मौसम। ठंड में बारिश क्यों नहीं होती, ठंड में बारिश क्यों नहीं होती, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब हमने देखा था कि सर्दियों में, गर्मियों में तो हमें पता है लैंड ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्मियों में लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट सर्दियों में जो लैंड है वो भी वही रहता है, यानी सर्दियों में जैसे हमें पता है कि गर्मियों में जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और सर्दियों में लैंड ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है, यानी लैंड ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू ओशन, ओशन थोड़ा सा गर्म होता है, ठीक है, सर्दियों में भी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपका ओशन है, इस टाइम आपका ओशन है जो पानी वाला एरिया है, वहाँ पर बन जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं, यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल है, ओशन वाले एरिया में नॉर्मल टेम्परेचर है। बट अगर बात करें लैंड वाले एरिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। आप कभी राजस्थान में ठंड के मौसम में जाओ, रेत एकदम ठंडी हो जाती है, ठीक है, ऐसा लगता है बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी। वो इसलिए होता है क्योंकि जो लैंड होता है वो विंटर के अंदर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो जो ठंडा हो जाता है आपको पता ही है वो हाई प्रेशर रहता है, और जो थोड़ा गर्म रहता है उसमें लो प्रेशर रहता है। तो अब क्या हो गया, वही है जो क्या कहते हैं, अपनी जो हवा है, विंड है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, तो इसलिए आप नोटिस करोगे कि विंटर के अंदर बारिश कम होती है बहुत। वो इसलिए क्योंकि जो बादल होते हैं वो तो हमारे लो प्रेशर की तरफ चले जाते हैं। समझ आ गया कि विंटर में बारिश क्यों नहीं होती और गर्मियों में बारिश क्यों होती है, समझ आ गया ना। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, आपको ये बात सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, बट आपको पता है हमारे हिमालय जो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये वाले जो हमारे इस तरफ पहाड़ हैं, वो एक्चुअल में हमें ठंड से बचाते हैं। वो ठंडे पहाड़ बेशक है, वहाँ पर बर्फ़ हमेशा रहती है, बट वो हमें ठंड से भी बचाते हैं। वो कैसे, देखो अभी अभी मैंने आपको बोला कि विंटर में लैंड बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है, बट अगर हम इंडिया से थोड़ी ऊपर जाएं, सेंट्रल एशिया की बात करें ना, यहाँ पर तिब्बतन प्लेटो है, यहाँ पर प्लेटो वगैरह है, और जो प्लेटो होते हैं वो तो और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, हमारे लैंड से भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर बन जाता है। तो इसलिए, और यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, यहाँ होता है थोड़ा कम, तो यही है हाई, वेरी हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर आने चाहती है जो हवा है, वेरी हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर आना चाहती है, और जब ये वेरी हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर आना चाहती है, तो बीच में क्या है, ये पहाड़ है, माउंटेन है, और ये इनको आने नहीं देते, और इसी वजह से आप नोटिस करोगे कि दिल्ली में ठंड तो होती है, हमारे इस वाले एरिया में ठंड तो होती है, बट इतनी ठंड नहीं होती कि हम सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर ये पहाड़ ना होते ना, तो शायद ही इंडिया वाले इलाके में हम रहने लायक होते, दिल्ली वाले इलाके में या यहाँ वाले इलाके में रहने लायक होते, क्योंकि बहुत ठंडी हवा आती, और ये जो हमारे माउंटेन है ना, वो हमको ठंड से ही बचाते हैं। हमें लगता है कि ये बर्फ़ है, बर्फ़ के पहाड़ है, तो इनकी वजह से ठंड होती है, नहीं, ये हमें ठंड से भी बचाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया है आपको, आई होप कि आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, यही बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देखो कौन कौन से फैक्टर है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। पहला तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के क्लाइमेट को अभी किसने अफेक्ट किया, पहला तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे अफेक्ट करता है वहाँ का एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब यानी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब आपको पता है ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये पहाड़ ना होते तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती, तो कहीं ना कहीं इंडिया के क्लाइमेट को ये जो एल्टीट्यूड है, ये माउंटेन है, हाई माउंटेन है, अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए इंडिया को अफेक्ट करने वाला पहला पॉइंट है एल्टीट्यूड, ठीक है।
समझ आ गया कि द हिमालयन प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। हमारे एरिया में आने से, हमारे एरिया में इंडिया के अंदर आने से ये हमारे ये पहाड़ रोकते हैं, ठीक है, हिमालय के पहाड़ रोकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती एज़ कम्पेयर टू इस वाले इलाके में। इस वाले इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट हमारे इंडिया में थोड़ी कम ठंड होती है। तो यानी इंडिया के क्लाइमेट को किसने अफेक्ट किया है? एल्टीट्यूड ने, हाई हाई माउंटेन ने अफेक्ट किया है। सेकेंड पॉइंट है कि इंडिया को, इंडिया के जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है प्रेशर और विंड। यही तो प्रेशर और विंड में देखा, इंडिया के क्लाइमेट को बिल्कुल अफेक्ट करता है प्रेशर और विंड, हाई हाई प्रेशर। इसी वजह से विंटर में बारिश नहीं होती। मान लो, मान लो अगर विंटर में यहाँ पर लैंड ना होता, हमारे जो हवा है लैंड ना होता, यहाँ पर कुछ और होता, यहाँ पर भी वाटर बॉडीज होती, तो क्या यहाँ पर हाई प्रेशर बन पाता? यहाँ पर भी लो प्रेशर ही रहता, समझ रहे हो? ठीक है, प्रेशर और विंड, विंड के चेंज होने की वजह से ही तो सारा का सारा सीन है। ये सारा का सारा जो होता है ये विंड की चेंज होने की वजह से ही तो होता है। हवा के एक जगह से दूसरी जगह जाने से तो बारिश वगैरह आती है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है बाय प्रेशर एंड विंड। ठीक है, प्रेशर से और विंड से, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण ही, और वही तो ऐसे ही विंड चलती है। तो यानी विंड भी जो विंड भी अफेक्ट करती है इंडिया के क्लाइमेट को। विंड और प्रेशर दोनों अफेक्ट करते हैं। पहला है, अफेक्ट कौन करता है? हिमालयन माउंटेन, और दूसरा प्रेशर एंड विंड। ठीक है जी, अब तीसरा जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, लैटिट्यूड क्या होता है? देखो लैटिट्यूड क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, लैटिट्यूड होता है लेटीवी लाइन। ठीक है, आपको पता है ये पूरा वर्ल्ड है, तो यहाँ पे जो ऐसी सीधी सीधी लाइनें जाती है ना, उसको कहते हैं हम लेटिट्यूड। अब आप एक बात नोटिस करोगे कि ये है हमारी हमारा ये रहा इंडिया, इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, आपको पता ही, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता है, इक्वेटर, और एक नीचे की तरफ भी लाइन है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना, ये दो लाइन, ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बीच में जो एरिया होता है ना, वहां पर सूरज की बिल्कुल डायरेक्ट रोशनी पड़ती है। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है। ठीक है, और इतनी ज़्यादा गर्मी इस वाले, क्योंकि आपको पता है ये देखो दिख रहा है कि इंडिया का ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये हमारा इसी वाले एरिया में आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और यहाँ पर गर्मी होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। ठीक है, और इसीलिए ही हमारे इंडिया में सबसे पहले बारिश केरल के अंदर होती है, क्योंकि केरल के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर बना हुआ होता है। ठीक है, लो प्रेशर होता है यहाँ पर, और हमारे इस बाकी वाले एरिया में क्या होता है, ओशन में क्या होता है? हाई प्रेशर टू हवा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सबसे पहले केरल में जाती है, क्योंकि केरल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के, ठीक है, जहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है उसके बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है जी, तीन पॉइंट आपको समझ आ गए ना। सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग से एक बार बता दूँ, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताया, इंडिया का आपको क्लाइमेट बताया, और फिर मैंने बताया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब और फिर ये बताया फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा मैंने बीच में कोई टॉपिक छोड़ा है, बट मैंने वो टॉपिक छोड़ा नहीं है, मैं उसको बाकी वीडियो में कवर करूंगा। मैं आपके लिए चैप्टर इजी बना रहा हूं, क्योंकि आप इस फॉर्मेट में पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं तो ऊपर से जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसलिए जैसे बता रहा हूँ वैसे करो। इसके नोट्स एक और बात बता दूँ, इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना यार। ठीक है, और अगर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। चलो ठीक है यार, चैप्टर करते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर अभी हमने देखा कि बारिश आती है गर्मियों के टाइम में, बट आती कैसे और कहाँ कहाँ पर बारिश आती है, यानी जो मानसून है वो इंडिया में कब आता है, बारिश कब आती है इंडिया में, जो विंड है, जो हवाएं हैं, वो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर कैसे आती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर जो मानसून रहता है, यानी बारिश का टाइम रहता है, ठीक है, वो हमारी स्टार्टिंग जून के अर्लीस्ट जून में, यानी जून की स्टार्टिंग से लेकर हमारे मिड सितंबर तक, यानी ऑलमोस्ट 100 से 120 दिन के बीच में रहता है। ठीक है, उसके आने से पहले, यानी मानसून आने से पहले, जून से पहले ना बारिश बिल्कुल हल्की हल्की होती है, बट जैसी मानसून आता है ना वैसी बारिश बहुत तेज़ हो जाती है, और इसी बिल्कुल तेज़ बारिश को हम क्या कहते हैं, हम इसी तेज़ बारिश को कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता ही है कि अब मैंने आपको क्या बताया,
अभी मानसून कब आया है? गर्मियों के टाइम में आता है मानसून, बारिश गर्मियों के टाइम में आती है। तो गर्मी के टाइम में हमारे ये इंडिया के अंदर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। गर्मी में क्या बन जाता है? लो प्रेशर, हवा ऊपर चली जाती है, नीचे बन जाता है ब्लैंक स्पेस, और ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए जो हाई प्रेशर की विंड है वो लो प्रेशर जाती है। ठीक है जी, तो यानी यहाँ की नीचे की हमारे पानी की हवा ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये ऊपर की तरफ जाती है ना जब, तो यहाँ की जो हवा है, ठीक है, यहाँ पर जो साउथ वेस्टर्न हमारी विंड है वो सबसे पहले क्या करती है, हिट होती है केरल की तरफ। और इसीलिए अर्ली जून में, जून की स्टार्टिंग में ही केरल के अंदर बहुत तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इंडिया में बारिश कहाँ होती है? हमारे नॉर्दर्न सदर्न पेनिनसुला में। ठीक है, यानी मैं स्पेसिफिक में बताऊँ तो केरल में अर्ली जून के अंदर ही बारिश हो जाती है। उसके बाद ये हवाएं दो दो भागों में बढ़ जाती है, दो में डिवीजन हो जाता है इसका। एक तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर बंगाल है, तो एक जो ज़्यादा हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल की साइड में जाती है, और बाकी हवाएं अरेबियन सी की साइड में जाती है। दो ब्रांचों में बढ़ जाती है हवाएं। ठीक है, और ऑलमोस्ट 10 दिन बाद, यानी अर्ली जून में, यानी जून एक दो तारीख, जून की एक दो तारीख में केरल के अंदर बारिश होती है, और अप्रोक्स 10-20 दिन बाद, 10 दिन बाद महाराष्ट्र के अंदर बारिश होती है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर बारिश होती है ऑलमोस्ट 10 जून में। ठीक है, और उसी के बाद क्या होता है, ये जो अरेबियन सी, जो अरेबियन विंड है ना, उसको बेशक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, बट वो जल्दी कर लेती है, और उसी टाइम यानी 10 जून के आसपास ही असम के अंदर भी बारिश हो जाती है, क्योंकि ये वाली जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच वाली विंड है ना वो बहुत तेज जाती है। उसके बाद ये जो बे ऑफ बंगाल वाली विंड है ना, ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, इस तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर होते हैं पहाड़, और पहाड़ से टकरा कर ये इस तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन, आपको पता ही है ये गंगा प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है इस पर, वहाँ पर आ जाती है। ठीक है, ये विंड यहां पर आ जाती है। ओके, और अगर अरेबियन की बात करें, अरेबियन सी के ब्रांच की बात करें, तो ये भी घूमकर हमारे नॉर्दर्न प्लेन में, गंगा प्लेन में, ये दोनों की दोनों ब्रांच आपस में मिल जाती है। और एक और बात बता दूं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं ना स्पेसिफिक, तो दिल्ली के अंदर क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो हिट होती है, वो दिल्ली के अंदर आती है बादलों को लेकर, विंड को लेकर, और इसीलिए दिल्ली के अंदर मिड जून के अंदर बारिश होती है। ठीक है, सॉरी 29 जून के अंदर। ठीक है, ये था आपको ऑनसेट ऑफ मानसून। डरो मत, मैं इसके नोट्स भी देने वाला हूँ आपको। ठीक है, टेंशन मत लो इसके, देखो नीचे नोट्स लिखे हैं, तो नोट से भी समझाऊंगा। एक और बात यार, अगर प्लेस की बात हो जाए, तो अर्ली जुलाई के अंदर ये यहाँ पर यूपी, ये अगर अरेबियन उसकी बात करें ना, तो यूपी के अंदर हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अंदर अर्ली जुलाई में, मिड जून में हमारा हिमाचल प्रदेश में, और बाकी अदर प्लेस पर बारिश हो जाती है, और सेप्टेम्बर में बारिश एकदम खत्म हो जाती है। अब इसको एक बार नोट से रीड कर लेते हैं। ठीक है, फिगर से तो आपको क्लियर हो चुका हुआ कि हमारे इंडिया में बारिश कैसे होती है। अब इसको देख लेते हैं। यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून इज बिटवीन 100 दिन से 100 दिन, 120 दिन, 100 दिन से 120 दिन के बीच में हमारी बारिश रहती है, और अर्ली जून में स्टार्ट होती है, और मिड सितंबर तक मॉनसून का सीजन रहता है। ठीक है, और व्हेन द मॉनसून अराइव एट द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली फॉर द सेवरल डेज इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मानसून। यानी बारिश के आने, मतलब मानसून के आने से पहले ना थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती है, बट उसके बाद है ना जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसी को कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। ठीक है, अब क्या होता है, जो मानसून है वो सबसे पहले कहाँ आता है, हमारे सदर्न टिप पर। सदर्न टिप यानी ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट, सदर्न टिप पर सबसे पहले मानसून हिट करता है। ठीक है, और फर्स्ट जून में, जून के बिल्कुल फर्स्ट वीक में है ना, अर्ली जून के अंदर ही सबसे पहले केरल को हिट करता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो अरेबियन सी है, ये जो हमारी विंड्स है वो दो डायरेक्शन में बढ़ जाती है, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, एक अरेबियन सी ब्रांच में यानी इस तरफ, और एक बे ऑफ बंगाल की साइड में इस तरफ, दो उसमें बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करें तो जो अरेबियन सी वाली ब्रांच होती है ना, वो कुछ दिनों बाद यानी 10 दिन बाद ही ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के अंदर टकरा जाती है, और महाराष्ट्र के अंदर बारिश होती है 10 जून के आसपास। ठीक है, और उसी टाइम जो हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है ना, अच्छा एक और बात यार, इस चैप्टर के नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप टेंशन मत लो कि मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो आप लिखोगे कैसे, सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नोट्स का, क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल लेना। और जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ना, वो भी बहुत तेज़ी से जाती है, और फर्स्ट वीक के अंदर 10 तारीख को ही ऑलमोस्ट असम के अंदर भी बारिश हो जाती है, 10 जून के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो बिकॉज ऑफ द लोफ्टी माउंटेन, ये जो माउंटेन है ना, माउंटेन है यहाँ पर पहाड़ पे, उसकी वजह से जो असम बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच होती है वो वेस्ट की साइड में मुड़ जाती है। ठीक है, और कहाँ पर आ जाती है, हमारे गंगा प्लेन पर। ठीक है,
गंगा प्लेन पर आ जाती है, और अरेबियन सी, और जो हमारा अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है मानसून के की, वो दोनों की दोनों गंगा प्लेन पे आपस में मिल जाती है। देखो दिख ही रहा होगा आपको, गंगा प्लेन में आपस के अंदर मिल गई है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल जो दिल्ली के अंदर बारिश होती है ऑलमोस्ट 29 और 30 जून को अप्रॉक्सीमेटली, वो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच के कारण होती है, और अर्ली जुलाई में वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान में बारिश होती है, और मिड जुलाई में आपकी हिमाचल प्रदेश और अदर पार्ट में बारिश होती है। समझ आ गया ना कि बारिश आती कैसे इंडिया में और कहाँ कहाँ पर हिट करती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बारिश का विड्रॉ कैसे होता है, यानी बारिश जाती कैसे। देखो बारिश जाती है ना, उसका बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे बारिश आई थी वैसी बारिश चली जाती है। क्यों? क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया, धीरे धीरे विंटर आने लग गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आने लग गए हैं, और इसकी वजह से क्या होता है हमारे लैंड पे क्या बन गया, अब तो हाई प्रेशर बन गया। लो प्रेशर पहले था गर्मियों में, बट अब सर्दी आ गई है तो इसलिए हाई प्रेशर हो गया, और हमारे जो पानी वाला है उस पर लो प्रेशर बन गया, तो विंड कहाँ से जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर डाल जाती है, इसलिए सारी की सारी विंड ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाती है। तो आपको देखो पहला पॉइंट दिख ही रहा होगा कि विड्रॉल ऑफ मानसून, मानसून जाता कैसे। तो विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगेन इन द नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री बाय अर्ली सितंबर। अर्ली सितंबर यानी 1 सितंबर की बात करें ना, तो नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ ये रहा ऊपर की साइड, और वेस्ट यानी ये, यानी यहाँ पर सबसे पहले मानसून की विंड नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है 1 तारीख को, और मिड सेप्टेम्बर में नॉर्थ ईस्ट यानी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मिड जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट है ना, उस वहाँ से पूरी तरीके से मानसून विड्रॉल हो जाता है, रिट्रीट हो जाता है, हट जाता है, मतलब मानसून की हवाएं नीचे की तरफ आ जाती है। और क्या होता है मिड अक्टूबर में, यानी अक्टूबर के मिड में जो कम्प्लीटली हमारे हाफ पेनिनसुला से, यानी पूरे पेनिनसुला के हाफ से, यानी पूरा बीच का एरिया में से मानसून क्या होता है विड्रॉल हो जाता है, हवा होती है वो नीचे की तरफ आना, यानी 1 अक्टूबर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 हवाएं नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, और दिसंबर तक, तो बाय दिसंबर स्टार्टिंग, दिसंबर की स्टार्टिंग में या दिसंबर के मिड में पूरी तरीके से मानसून इंडिया के तरफ से चला जाता है। ओके यार, ये वीडियो का हो गया फर्स्ट पार्ट। आई होप सो कि आपको समझ आएगा, और समझ नहीं आएगा तो वीडियो को बैक करके देखना आप। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ टॉपिक मिस किए हैं। मेरे को पता है मैंने कुछ टॉपिक मिस किए हैं, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि यार एक चैप्टर का फ्लो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो मैंने क्लाइमेट और फिर वेदर के बारे में बताया, फिर इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बताया, फिर मानसून जब हमें पता चला इंडिया का क्लाइमेट मानसून है, मानसून का मतलब बारिश, फिर हमने बारिश के बारे में पढ़ा, और अब मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्लो में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट जब इसका बनाऊंगा। एक चीज़ और, जब मैंने आपको मानसून वाला ये बता रहा था ना, तब मैंने आपको बोला था कि इसका नाम मानसून रखा अरबों ने रखा था, अब अरब लोगों ने इंडिया का जो नाम है वो मानसून क्यों रखा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब इंडिया में गर्मियों में क्या बनता था, यहाँ पर लो प्रेशर बनता था, तो ये सेलर थे वो तो आपको पता ही है, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे, अपने जहाज़ों पे आते थे वो, पानी के जहाज़ों पे, शिप वगैरह पे। तो क्या था कि जब हवा थी तो उनको जो पानी की लहरें हैं, जब यहाँ से हवाएं बहती थी तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो उनको जो उनके जहाज़ थे वो खुद ही यहाँ पर तट वाले एरिया पे, कोस्टल एरिया पे आ जाते थे, तो इसलिए उनको बहुत हेल्प मिलती थी। और सर्दियों में क्या होता था, उल्टा होता था, हाँ यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर बनता था, तो उनके जो शिप वगैरह थे वो बिना किसी परेशानी के पानी के अंदर चले जाते थे, और जहाँ से आए थे वो वहीं पर चले जाते थे, तो इसलिए उसको मौसम उसने नाम दिया मानसून और मौसम नाम दिया अरबों ने, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत हेल्प मिलती थी। अच्छा एक चीज़ और है कि आपने नोटिस करी होगी कि अगर हम दिल्ली की बात करें ना, तो दिल्ली, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि दिल्ली और महाराष्ट्र के टेम्परेचर में और वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेदर में क्या, क्लाइमेट में, अब तो हम समझ चुके हैं। तो जो अगर हम मुंबई के स्पेसिफिक और दिल्ली के, क्योंकि मुंबई यानी यहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र यहाँ पर पड़ता है, तो मुंबई और दिल्ली यहाँ पर पड़ता है, तो इन दोनों के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कोस्ट के पास है, तट के पास है, तो इनके ज़्यादा ना ठंडी होती है ना गर्मी, बट यहाँ पर हमारे दिल्ली के अंदर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, ठंड एकदम ठंडी, गर्म एकदम गर्मी, तो इसी चीज को बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, याद रखना कॉन्टिनेंटैलिटी, ठीक है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बच्चे ने मेरे को बहुत बोला है कि सर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया बट फिर भी मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, आपने कुछ करा तो नहीं है। नहीं यार मैंने कुछ नहीं करा, वो बस ये है कि आप बीच बिल्कुल ना सब्सक्राइब के साथ में ही बेल आइकन का बटन दे रखा है, अब वो क्लिक करो,
तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। देखो मेरे को ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट आया आपका, ठीक है, बट वो काफ़ी नहीं है यार, क्योंकि कम है, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा आपको, मेरे कल 2-3 दिन पहले ही 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आप सबकी डिमांड पूरी करूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इसलिए मैंने इस पर पहले वीडियो बनाई है। मैं बाकी भी डिमांड देख रहा हूँ आपकी, सिविक्स वगैरह को लेकर मोस्टली चैप्टर मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो इसके नोट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर फिर भी आपको कोई नोट्स नहीं मिलते तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, 9210522318, ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन हो किसी चैप्टर से रिलेटेड वो भी आप बता सकते हो, इस चैप्टर में भी अगर कुछ समझ ना आ रहा हो आपको तो भी आप बता सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। और जो भी चीज़ें मैंने इस चैप्टर में कवर नहीं, इस पार्ट में वीडियो के कवर नहीं करी, वो मैं दूसरे पार्ट में करूँगा कोरिलेट करके अच्छे से कि आपको समझ आए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने, दोबारा बताता हूँ, क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ा था हमने, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट पढ़ा था, उसके बाद हमने बारिश कैसे होती है और बारिश इंडिया से कैसे जाती है उसके बारे में देखा था। ओके यार, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच।